हेलो एवरीवन, और ये है हमारा रूम टूर जो कि हमने अभी अभी ऋषिकेश में रेंट पे लिया है। हमने यहाँ दो रूम लिए थे पर हमें मज़ा नहीं आ रहा था, तो हम लोग एक ही में शिफ्ट हो गए। दो रूम्स में मज़ा नहीं आता, अब साथ में मिलके मस्ती करेंगे। हम आ गए हैं ऋषिकेश में और हमने नहाया धोया नहीं है क्योंकि हम जा रहे हैं गंगा जी में डुबकी लगाने, क्योंकि अब यहाँ आए हैं तो एक बार तो बनता है। तो बस हमने थोड़ा 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 लिया सुधार लिया है अपना। और सबसे पहले हम जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग करने। रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, वहाँ पे हम सामान नहीं ले जा सकते क्योंकि गीले कपड़े होंगे, गीली चीज़ें होंगी। फ़ोन नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि फ़ोन का भी मना किया है, तो बस मैं एक मेरा फ़ोन ले रही हूँ क्योंकि मैं ब्लॉगिंग बना लूँगी, वीडियो बना लूँगी, ब्लॉग कर लूँगी और मतलब थोड़ा थोड़ा व्यू लेती रहूँगी ब्लॉग के लिए। तो हमने सोचा कि एक फ़ोन लेते हैं, बाकी सबने अपने फ़ोन या रूम पर रख दिए हैं। हमने यहीं जिस होटल में रुके हैं हमने वहीं से रिवर राफ्टिंग बुक कराई है। अब देखते हैं मैं वहाँ से कितना शूट कर सकती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि रिवर राफ्टिंग के टाइम पे फ़ोन यूज़ करना नॉट सेफ। तो बस, और ये मैं बन गई बिल्ली। बड़े क्यूट लगती है ये वाली हेयर स्टाइल, तो मैंने सोचा थोड़ा 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 मेकअप कर लूँ थोबड़े पे तो अच्छा अच्छा दिखेगा। उसके बाद हम वापस रूम पे आएंगे और रूम पे आके अच्छे से चेंज करके तैयार होके फिर घूमने जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऋषिकेश में बस आज का दिन है, इसलिए ऑलरेडी एक बज चुके हैं, आधा दिन तो ख़त्म हो गया। ओहो, अभी मैं आप लोगों के साथ निकलनी होती उधर और ये जा रहे हैं इधर। और फिर हम निकल गए, जहाँ से हमें राफ्टिंग स्टार्ट करना था वो था 16 किलोमीटर्स दूर, और पहाड़ों के 16 किलोमीटर्स दूर मतलब ये एक घंटे का सफ़र इजी नहीं होता, बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट्स होते हैं तो बहुत टाइम लगता है, और वन वे होता है तो सामने से भी व्हीकल्स आ रहे होते हैं। और ये फाइनली हम पहुँच गए शिवपुरी, हमारा यहाँ से रिवर राफ्टिंग का है और ये रही गंगा मैया। यार अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत सालों बाद आई हूँ, जब आई थी तब का कुछ याद नहीं है। ये हो गए हैं हम रेडी। हम जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए और वो भी 16 किलोमीटर की, बहुत मजा आने वाला है। और फिर हम पूरी तैयारी के साथ नीचे उतरे और हमने नीचे उतर के वेट किया क्योंकि बोट वाले हमसे लेट आए। और ये हम लोग आ गए हैं नीचे, और ये बोट वाले भैया हमको कुछ सेफ्टी मेजर्स बता रहे हैं। बारे में बताऊंगा ना, 5 मिनट ध्यान सुनना है, ठीक है? और उस चीज को आप लोग को ऑन रिवर फॉलो भी करना है ना, जो भी क्वेश्चन करना रहेगा मुझसे लास्ट में कर लेना, ठीक है? तो फर्स्ट आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग में, जिस रिवर में आप लोग राफ्टिंग करने जा रहे हो, रिवर का नाम है गंगा होली रिवर, लाउडली बोलिए गंगे मैया की जय। बाकी मेरा नाम राकेश, मैं आपको गाइड जा रहा हूँ, सेकंड में गाइड जाएंगे, इनका नाम रोहित है ना, दो गाइड जा रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? ये आप लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका नाम है शिवपुरी, हमारा एग्जिट पॉइंट लगा। हाय, आई एम ज्योति फ्रॉम उदयपुर। वर्षा फ्रॉम उदयपुर। रुचि फ्रॉम उदयपुर। How do you feel? Hi. Cold. Keep ice bath. करे क्या? Ice bath ही तो है। डुबकी लगानी है क्या? लगा लो, लगा लो। लगा लो क्या? हाँ। पर जाई नहीं, जाई नहीं रहा। I am here ना। No, 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 please. Close your mouth. Close your mouth. 1, 2, 3 down. Nice. Basu, oh Basu. Come here, leave, lose your arms, okay? 1, 2, 3 down. Fast forward! Fast forward, fast forward! Back up, back up. Fast forward, 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 forward! Chalao, chalao, chalao! Chalao, chalao, chalao! Chalao! No, 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 back up. Chalao, 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 drop on it. Full drop on it. Okay, get back, get back, get back. Then forward, forward, forward. Fair locker on. First. Good. Stop. Good. Kudo, jisko kudna hai. Kudo ne daudi ya. Kudna hai tumhe. Aur kisko kudna hai rapid mein. Khade tumhe paaye nahi ne. Aise.
और ये रुके हम मैगी पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ मैगी नहीं खाई तो क्या किया, बस हम यहाँ मैगी खाएंगे अब। वेरी लाइट वेट है, उठा लो पीछे देखो ना, पीछे पीछे पीछे, इधर देखो, इधर 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 इधर, इसको पकड़ो। ये तो ये मेरे को खींच रहे उठा उठा उठा। हेलो, वी आर डन विद द रिवर राफ्टिंग। कैसा लगा? फाइनली हमने रिवर राफ्टिंग कंप्लीट कर ली और ये देखो हमारी शक्लें कैसी हो गई। लेकिन हमने इतना एंजॉय किया, हमारा ना 14 किलोमीटर्स की रिवर राफ्टिंग थी। हम फ़ोन यूज़ नहीं कर पाए थे, पर हमने बहुत सारी फोटो वीडियोस हमने इन भैया से लिखवाई है जो लेते हैं अपने कैमरे से, और मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत अल्टीमेट, मतलब नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस रहा है। और ये मेरा पहली बार था रिवर राफ्टिंग का, मतलब रैपिड्स में यार उस पानी में डुबकी लगाना, गिरना, इंजॉय करना। जो भी ऋषिकेश आए, प्लीज़ रिवर राफ्टिंग के बिना तो मत जाना। आप लोग 4 घंटे तो अपने लिए निकालना इस इन्जॉयमेंट के लिए, क्योंकि ये बनता है यार। और गंगा मैया में इतना इन्जॉय, धन हो गई मैं तो। हर हर महादेव, जय गंगा मैया की। और ये हमारे होटल के सामने ही भैया खड़े हुए थे पानी पूरी वाले, बहुत टेस्टी था। फिर हमने यहाँ पे पानी पूरी खाई। और ये हो गए हम लोग रेडी, अब हम लोग जा रहे हैं घाट पे आरती के लिए। हमने सोचा था कि जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी फ्री हो जाएंगे तो घूम लेंगे, बट नहीं हो पाया क्योंकि ट्रैफिक में हम लोग फंस गए थे। फिर रूम पे आकर नहाए, तैयार हुए, अब हम लोग जा रहे हैं। सिर्फ हमें आरती मिल जाएगी और थोड़ा मार्केट घूम लेंगे, और कल तो हम मॉर्निंग में यहाँ से निकलने वाले हैं अपनी आगे की यात्रा के लिए। बट कोई बात नहीं, आज जो मज़ा किया उसमें हम हैप्पी हैं। तो बस अब मिलते हैं गंगा जी के घाट पे। हमारे ना रूम से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था रामघाट का झूला, तो हम लोग बस वॉकिंग करके ही जा रहे हैं। पहला दिन है अभी, पहला, बाकियों के दिन में देखना आपने। ये रात को यहाँ पे लाइट नहीं है, अभी अभी बंद हो गई है। नहीं, पहले तो जल रही थी। ये है राम झूला और हमें जाना है वहाँ, शिव जी की मूर्ति है, मंदिर है, आरती में वहाँ जाना है हमें। और जिस घाट पे हम आरती के लिए जा रहे हैं उससे पहले ये पूरा मार्केट था, पर हमें अभी आरती अटेंड करनी थी इसलिए हम यहाँ रुके नहीं, लौटने टाइम रुकेंगे, फिर हम शॉपिंग करेंगे इस मार्केट से। अभी हमें लेट हो रहा है तो हमें फटाफट से घाट पर पहुँचना है। और ये आ गए हम यहाँ पर घाट पर। थी, हमें भी मौका मिल गया था आरती करने का। उसके बाद हम वापस लौटे तो हमने कुछ खाया पिया यहाँ पे, समझ तो आ नहीं रहा था पर थोड़ा बहुत भूख लग रही थी तो हमने खाया यहाँ से। यहाँ के बस चावल ठीक ठाक लगे मुझे। हम लोगों ने थोड़ी सी पेट पूजा तो कर ली है, और वहाँ जहाँ हम लोग गए थे दर्शन करने वहाँ तो कुछ पसंद नहीं आया, किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब मार्केट जा रहे हैं, अगर खुल रहा होगा तो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे, जबकि हमारे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है सामान रखने की। और हम रात को घूमे ऋषिकेश की गलियों में, मार्केट गए हम, हमने वहाँ से शॉपिंग की। रात के 10:30 बज गए और हम ऋषिकेश के मार्केट में घूम रहे हैं, क्योंकि मार्केट भी बंद होने लग गया है तो हम लोग भी अब रूम पे जा रहे हैं। वेदर चेंज हो गया है, दिन में तो गर्मी थी, धूप वगैरह थी तो लगी नहीं ठंड, बट अब धीरे धीरे ठंड लगना चालू हो गया है। और उसके बाद मैं पहुंच गई थी रूम पे 11 बजे, मैं जाके सो गई थी और ये लोग गए थे घाट पर, ये लोग 1:30 बजे तक बैठे रहे। रात का मैंने उससे आगे कुछ शूट नहीं किया, मैं सो गई थी और ये लोग लेट आए थे। और अब मॉर्निंग हो गई है और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, मेरा बैग पैक हो गया और ये लोग कर रहे हैं।
और उसके बाद हमने की रील की तैयारी। हमको रील बनानी थी रूम में, तो बस हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे कि हमें कैसे करना है। उसके बाद हमने रील रिकॉर्ड किया और फिर हमने चेकआउट किया यहाँ से। और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, मुझे पता नहीं था गाना ऑन हो गया और ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मुझे लगा कि ये लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और मुझे याद नहीं आया, तो मैं खड़ी थी तो मैंने फिर ईशा को पकड़ के गिराया कि ये चीटिंग है। हमारी बहुत मस्त मस्त रील रिकॉर्ड हो गई थी। उसके बाद हम निकल गए और हमने ये जूस पिया क्योंकि हमारी कैब आ गई थी और हमें जाना था। अब हम निकल गए हैं ऋषिकेश से टूमनाथ के लिए। हमें बहुत लॉन्ग जर्नी करनी है तो हम टाइम से निकल गए हैं ताकि हम रात होने से पहले पहले पहुंच जाएं। मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।